गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दूसरा सेमीफाइनल पारे टोर्नेडोस वर्सेस पापुम रॉयल्स के बीच खेला जाएगा ये हॉर्नबिल T20 का। और ये टॉस के लिए MR, कप्तान दोरिया और कप्तान नेहरी दोनों मौजूद पिच पर। टॉस करेंगे कप्तान नेहरी पारे टोर्नेडोस के लिए और कॉल करने वाले हैं दोरिया। ये देखिए क्या होता है। डिसीशन बना, यहाँ डिस्कशन चलते हुए पापुम रॉयल्स ने टॉस जीता और पहला बल्लेबाजी करने फील्डिंग करने की घोषणा। एम्पायर्स क्रीज के तरफ बढ़ते हुए दूसरा सेमीफाइनल पारे टोर्नेडोस वर्सेस पापुम रॉयल्स के बीच। पहले बल्लेबाजी करेंगे पारे टोर्नेडोस पापुम रॉयल्स के कप्तान तशी दोरिया अपने टीम के साथ रेडी। दूसरा सेमीफाइनल पारे वर्सेस पपुम। सेकेंड सेमीफाइनल मैच विल बी प्लेड बिटवीन पारे टोर्नेडोस एंड पपुम रॉयल्स फॉर अ कोवेटेड हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी विच इज पावर्ड बाय पेविलियन। The Chinnery and Nabum Hachang going to open the innings for Pare Tornadoes. दूसरा सेमीफाइनल मैच लाइव है फिर से पारे टोर्नेडोस वर्सेस पापुम रॉयल्स के बीच। पापुम रॉयल्स ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया। ये दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है टेबल टॉपर पारे टोर्नेडोस और चौथे नंबर पर पापुम रॉयल्स से। स्ट्राइक पर है टेची नेरी कप्तान, साथ देने वाले हैं नाबुम हाचंग। वही दूसरी ओर ताना तेती आए हैं बॉलिंग स्ट्राइक से। पहला बॉल दिशाहीन लेग साइड और एम्पायर द्वारा इशारा वाइड का। हल्का सा स्विंग प्राप्त करते हुए तना देती। आउटफील्ड हल्की सी वेट, दो दिन से घमासान बारिश चलते हुए यहाँ अरुणाचल में।
दूसरी बॉल डालेंगे तेतीनेरी को, बाहरी बॉल, फिर से दिशाहीन और एम्पायर द्वारा वाइड का इशारा। मुस्कुराते हुए तना देती अपने लाइन लेंथ से भटके, दो गेंद डाल चुके दोनों वाइट के लिए। अच्छी बॉल, स्क्वायर लेग में कट कर दिया पीछे जाकर, और ये बस एक रन मिलेगा। टीटू हाचंग इन हल्की स्विंग डिफेंस कर दिया है, कोई रन नहीं। अच्छी स्विंग प्राप्त कर रहे हैं, मौसम थोड़ी क्लाउडी होने के कारण ताना तेती जो कि अपनी सीम के लिए जाने जाते हैं, अच्छी स्विंग प्राप्त कर रहे हैं। ये पहला नया बॉल का स्पेल, दोनों बैट्समैन को अच्छा खेलना होगा अगर रन बनानी हो तो, एक टारगेट सेट करना होता। अच्छा, ये पहला स्पेल को थोड़ा संभाल के खेलना होगा दोनों बैट्समैन को। तेती तो हाचंग फिर से स्पिन कट कर दिया है, पॉइंट पर फील्डर मौजूद, मिस फील, आसानी से 2 रन चुरा लेंगे। चिता दो कीपिंग करते हुए कट कर रहे हैं, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा पर कट कर कर 2 रन मिसफील्ड द्वारा लेने में कामयाब। स्लोअर गेंद, समझ नहीं पाया, ड्राइव करने की कोशिश, कोई रन नहीं। टीम पापुम रॉयल्स को जीतना है तो नेरी का विकेट लेना होगा, वही दूसरी ओर अगर पारे को जीतना है तो एक अच्छा स्कोर। तेती तो हाचंग इनसाइड एज पुल करने की कोशिश, अच्छी कनेक्शन नहीं और कोई रन नहीं। शॉर्ट बॉल था, पुल करने की कोशिश की, कनेक्शन नहीं, कोई रन नहीं। मैं बता दूं ये मैच 15 ओवर का मैच खेला जा रहा है, आउटफील्ड लेट स्टार्ट होने के कारण 15 ओवर का मैच खेला जा रहा है हॉर्नबिल T20 का। तेती तो हाचंग फिर से, अच्छी बॉल, अच्छी लेंथ, हल्का सा स्विंग प्राप्त किया, डिफेंस, कोई रन नहीं। इसी के साथ पहला ओवर कंप्लीट, 5 रन्स फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट।
और दूसरी ओर बॉलिंग करने आए हैं तापा तापा। स्ट्राइक पर है तेचिनेरी, फुल स्लोअर गेन, LBW की मांग। एम्पायर ने नकारा, निकाल कर खेलना चाहा, मार दिया है कवर्स की दिशा पर और ये 4 रन आसानी से। आक्रामक मूड में दिख रहे हैं कप्तान नेरी, जैसे कि मैं बता दो निकाल कर कवर्स की दिशा। आउटफील्ड काफी स्लो बारिश के चलते, और मुझे लग रहा है एक मैच होने वाला है इन दोनों के बीच। आक्रामक दिख रहे हैं कप्तान नेरी, राउंड विकेट कर दिशाहीन गेंद, एम्पायर द्वारा इशारा वाइड का। फिर से शॉर्ट बॉल क्रॉस कर दिया है, फील्डर मौजूद, जज नहीं कर पाए। मैं कहूंगा एक मिस चांस। अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं तपा तापा तापा तो हाचंग। फिर से अपिश बॉल ऑन ड्राइव, यहाँ फील्डर मौजूद, बस 1 रन आसानी से चुरा लेंगे। तपा तपा अपनी स्पेल की अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 1-4 खाने के बाद सटीक लाइन लेंथ मेंटेन करते हुए। फिर से क्रॉस खेलने की कोशिश, पुल करने की कोशिश, अच्छी संपर्क नहीं, पर 1 रन आसानी से चुरा लेंगे। आखिरी बॉल्स आउट का इशा, आउट का अपील, रिप्ले में देखिए पैड से संपन्न, थाई पैड लगा, उसी के साथ दूसरा ओवर समाप्त।
यहाँ गेंद कूदता है या विकेट हो सकता है। यह बहुत ही नेहरी को विकेट चोर के बहुत ही बड़ा गलती, जीवन दान नेहरी को मिला आज। ये विकेट का जीवन दान बहुत ही महंगा होगा पप्पू बॉल्स को। अभी देखना यही होगा, यहाँ भी विकेट हो सकता है। नहीं, यहाँ 4 रन, यहाँ 1 रन मिलेंगे, दो रन मिलेंगे। जी हाँ, आज हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी 2024 का दूसरा सेमीफाइनल है पप्पू मुरैल वर्सेस पारे टोरनाडोस के बीच। यहाँ तना तत्ती बहुत ही अच्छा गेंद, और यहाँ हाचंग को दगत की ओर जाना पड़ेगा। ना वाचंग ना कुछ होते हुए भी जाना पड़ेगा आज। ना वाचंग का बल्ला इतना कुछ कर नहीं पाया। और अब आ रहा है नामुम टेम्पल। पप्पू मुरैल्स का अच्छा बल्लेबाज है, नामुम टेम्पल भी बहुत एक तरफ दिखा दे तो बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। शायद मुश्ताक अली, विजय हजारे जैसे, रणजी जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल चुका है स्टेट लेवल। जी हाँ, एक अच्छी शुरुआत यहाँ पप्पू मुरैल्स को मिलता हुआ। एक खतरनाक बैट्समैन नाभम हाचंग को पहले विकेट के रूप में ताना तेती राउंड ऑफ विकेट। नाभम टेम्पल पहला गेंद कट कर दिया है, यहाँ मिसफील, ये बाउंड्री हो जाना चाहिए। जी हाँ, 4 रन का इशारा है यहाँ पर अंपायर की ओर से। खूबसूरत शॉट, ये देखिए कट कर दिया है, फील्डर के टांगों के बीच से गया है गेंद। खराब फील्डिंग। जी हाँ, ये एक खतरनाक बैट्समैन नाभम टेम्पल। हालांकि पहले गेंदबाजी पर ज़्यादा ध्यान देते थे, पर अब ऐसे ऑलराउंडर अपने आप को फुल टॉस, गेंद सीधा फील्डर के हाथों में गया है, फंबल हुआ। हाँ ना के चलते यहाँ पर सिंगल नहीं लिया है दोनों ने। जी हाँ, ये मैच अगर पप्पू मुरैल को जीतना होगा तो
एक बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट की ज़रूरत जिस टूर्नामेंट में देखा गया है, उनका फील्डिंग एफर्ट काफ़ी वीक है जी। कट करना चाहते थे यहाँ पर, मिस हुआ, लो बाउंस मैं कहूँगा थोड़ा जी। हाँ, इसी के साथ तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन एक विकेट के नुकसान पर जी। हाँ, केराली पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हमारे स्पॉन्सर इस हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी, आप सभी का शुक्रिया इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने में जी। हाँ, मैं बता दूँ, यह दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ इस वक्त, और इसी मैच के बाद फाइनल भी आज के दिन ही किया जाएगा जी। हाँ, तापा तापा अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं, पहला ओवर किफायती 8 रन अब तक दिए हैं। फुल टॉस गेंद है, हवा में खेला हुआ शॉट, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं जी। हाँ, आसानी के साथ 4 रन, यहाँ अंपायर का इशारा 4 रन। देखिए ये फुल टॉस गेंद, आप टचिन एरिया जैसे खतरनाक बल्लेबाज को इस तरह की गेंद नहीं डाल सकते, शो के उतेगा भी तो मार देगा। फिर से हवा में खेला हुआ शॉट है, ये फील्डर के ऊपर से आसानी से मिल जाएंगे 4 रन जी। हाँ, 2 जीवन दान मिला जरूर था, पूरा फायदा उठाना जो चाहेंगे यहाँ पर टेचिनेरी, इनका विकेट निकालना बहुत ही जरूरी है पप्पू रॉयल को अगर ये मैच में बनना हो तो, क्योंकि ये एक ऐसा बैट्समैन है जो सिंगल हैंडेडली इस मैच को पप्पू रॉयल के हाथ से दूर ले जा सकते हैं। फिर से बेहतरीन शॉट है, ये 6 रन का इशारा है अंपायर तय कान्या की ओर से, खूबसूरत शॉट, ये देखिए बल्ले के बीचों बीच लगता हुआ ये शॉट हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट है, ये आसानी से सिंगल मिल जाएगा जी। हाँ, कप्तान दोरिया यहाँ पर इस वक्त उस दो जो कैच छूता था उसके बारे में जरूर सोचेंगे, अगर वो लपक लेते तो कहानी कुछ और हो सकता था। यहाँ पर टेम्पल का है जी। हाँ, आसानी से 1 रन चुरा लेंगे। जी हाँ, यहाँ फिर से हवाई फायर करना चाहते थे, बैट से कनेक्ट नहीं हुआ जी। हाँ, 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। जी हाँ, अल्पावेद हॉस्पिटल निर्जुली जहाँ पर याप तायो भी गए हैं, अपना चेकअप करवाया है, उनका कहना है कि ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। जी हाँ, नए गेंदबाज लोमा, ये एक उभरता हुआ सितारा है अरुणाचल क्रिकेट के लिए,
स्ट्राइक में है टेम्पल, पुश किया है यहां पर पॉइंट्स और कवर के बीच में, आसानी से एक सिंगल चुरा लेंगे। अब आए हैं तचिनेरी, क्या यहां पर फिर से चौके और छक्के की बारिश होने वाला है। जी हाँ, वाइड का इशारा है यहाँ पर अंपायर की ओर से, खुलकर खेलना चाहते थे। जी हाँ, उठाकर खेल दिया है आसानी से, यहां पर सीमा रेखा के बाहर चले जाएंगे 6 रन के लिए। खूबसूरत ये शॉट, जी हाँ, 2 मौका जरूर दिया था तचिनेरी ने। अब पुलिंग टीम उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। जी हाँ, अपने निजी स्कोर 29 पर पहुंच चुके हैं तचिनेरी, मात्र 12 गेंदों में एक विस्फोटक बल्लेबाजी करता हुआ यहां पर। जी हाँ, कट कर दिया है, फील्डर नीचे है, यहां 2 रन की मांग है। खराब फील्डिंग, यहां पर फील्डर को अटैक करना चाहिए था। जी मैं कह रहा था पप्पू रॉयल्स को जीतना हो तो ये फील्डिंग एफर्ट जो है उसको इंप्रूवमेंट जरूर लाना होगा उनको। ये पूरा टूर्नामेंट उनका फील्डिंग एफर्ट काफी खराब गया है। हवा में है ये गेंद, फील्डर नीचे, कोशिश यहां पर दौड़िया, कप्तान यहां पर लपक लिया है, काफी खुश ये सेलिब्रेशन देखिए क्या बात है, कप्तान ने दूसरा कप्तान को लपक लिया है यहां पर। ये बड़ा विकेट तचिनेरी के रूप में, पवेलियन के तरफ लौटता हुआ। क्या इस टूर्नामेंट में हम आखिरी बार नेरी को बैटिंग करते हुए देख रहे हैं, ये भी जानना होगा। जी हाँ, बेहतरीन कैच है ये। बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट नहीं हुआ, उतना संपर्क अच्छा नहीं है जितना उनको चाहिए था। तो जी हाँ, सेलिब्रेशन काफी खुश है कप्तान उस विकेट से, बेहतरीन सेलिब्रेशन ये, क्या बात। एक अच्छा कमबैक यहाँ पर, एक खूबसूरत बड़ा गेंद, ये हल्का सा आउट स्विंग मिला है यहाँ पर गेंदबाज को। नए बल्लेबाज आए हैं टीएनसी तसर यानी कि तली नाना कमदर, एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज है ये भी। फुल ऑन लेंथ डिलीवरी है, ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले के नीचे नीचे क्रम पर का इतना अच्छा संपर्क नहीं जितना वो चाहते थे। जी हाँ, अल्पावेद ग्रुप ऑफ स्कूल
ये भी हमारा एक स्पॉन्सर है जिनका ब्रांच निर्जुली दैमुख नाहरलगन करसिंगसा और जीरो पर है। जितने भी दर्शक हमें जुड़े हुए हैं YouTube पे या फिर लाइव, आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबको बता दूं, ये दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ पारे टोर्नाडोस बनाम पपुम रॉयल्स के बीच में। कल मौसम खराब के चलते आज ये मैच 15 ओवर का रिडक्शन। जी हाँ, कप्तान दोरिया आए हैं अब गेंदबाजी में, गेंदबाजी का कमान खुद संभालेंगे आज। स्ट्राइक में है टेंपल, अब तक 6 रन बना चुके हैं अपने निजी स्कोर। जी हाँ, बेहतरीन पहला गेंद। तची दोरिया द दूसरा स्पेशलिस्ट, क्लीन बॉल कर दिया है यहां पर नावन टेम्पल को। बेहतरीन ये गेंदबाजी, मैंने कहा था ये बल गेंदबाज दूसरा स्पेशलिस्ट है। बे बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर जरूर आया टेम्पल, उसको गलत शॉट खेल बैठे उसे। सीधा बल्ला से खेलना चाहिए था, एक्रोस खेल बेते। ये बड़ा विकेट है टेम्पल के रूप में। जी हाँ, देखिए अब रिप्ले में, सीधा बल्ले से खेलता तो जरूर ये एक्रोस खेल बेते। बड़ा विकेट है ये, कहे तो बड़ा मछली जाल में फंसता हुआ यहां पर। जी हाँ, कप्तान काफी खुश आज, उनका ये यूनिक सेलिब्रेशन आज लगता है दिन भर देखने को मिलेगा। जी हाँ, एक रन छुड़ा लेंगे। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं तशीब तना बालूम, ऑल द वे फ्रॉम सगाली। जी हाँ, अब तक बेहतरीन ओवर गया तोरिया की ओर से। गेंद जी हाँ, अब तक ये बेहतरीन ओवर चलता हुआ, अब तक केवल एक रन मिला है इस ओवर में। कप्तान दोरिया टीएनसी तसर स्ट्राइक, फिर से दूसरा डाला गया बॉल, एक रन जरूर चुला लेंगे। जी हाँ, किफायती ओवर का समाप्ति, बेहतरीन ओवर कप्तान की ओर से। वो जानते हैं कि इस वक्त रन की गति को रोकना बहुत जरूरी। जी हाँ, हेलो,
जी हाँ, यहाँ पर लोमा अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं। बाहरी किनारा जरूर लगा था मगर कोई स्लिप तैनात नहीं। एक डिफेंसिव फील्डिंग सेटअप। बल्लेबाजी में बालम। जी हाँ, ये खूबसूरत गेंद बाहरी किनारा को लगभग लगभग छूता हुआ। एक खूबसूरत आउट स्विंग। जी हाँ, ये फिर से बाहरी किनारा पैदरी बल गेंदबाजी का मजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। एक खूबसूरत आउट स्विंग। जी हाँ, यहाँ पर स्विंग जरूर मिल रहा है गेंदबाजों को। लोमा तू तसर। ये उफ, बैट्समैन बिल्कुल समझ नहीं पाए। ये टप्पा खाने के बाद तेज गति के साथ अंदर क्यों आए। टीएनसी तसर बिल्कुल समझ नहीं पाए। जी हाँ, बता दूं पिछले गेंद में 50 रन के आंकड़ा को छू लिया है। जी हाँ, बाहरी गेंद मगर कोई इशारा नहीं है अंपायर की ओर से। जी हाँ, मैं बता दूं आज अंपायर के रूप में है ताजन ताकर और तई कानिया, दोनों काफी एक्सपीरियंस अंपायर है। हल्के हाथों से खेला है। जी हाँ, इसी के साथ सातवां ओवर की भी समाप्ति। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ यहाँ 50 रन। जी हाँ, यहाँ पर रन की गति को बिल्कुल रोक सा लिया है यहाँ पर तेचिनेरी के आउट होने के बाद। रन की जो गति थी वो बिल्कुल थम सा गया है, उसे जगाने की जरूरत फिर से पपुम टोर्नेडोस को। जी हाँ, कप्तान दोरिया अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं अब रेलवे ट्रैक एंड से। सामना करेंगे बालम। यह बेहतरीन शॉट है। छह रन का इशारा यहां पर अंपायर की ओर से। जी हाँ, ये फुल लेंथ डिलीवरी। बालम तैयार थे उस शॉट के लिए। बेहतरीन शॉट है ये। छह रन का इशारा है। जी हाँ, फिर से वही गेंद। जी हाँ, यहां दोरे जानते हैं यहाँ पर बैस ललचा रहे हैं, मारने का निमंत्रण दे रहे हैं।
जी हाँ, ये हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट है, एक रन ले लेंगे। जी हाँ, अगर कमेंट सेक्शन की ओर जाएं तो यहाँ निया का कमेंट आया है कि नाना आज सेमीफाइनल में नहीं मारोगे तो कब मारोगे। और यहाँ पर एक और एक कमेंट है कि अच्छा अच्छी कैप्टनसी यहाँ दोरिया की ओर से। जी हाँ, ये है सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ यहाँ पर। जी हाँ जी, ये मैच जो भी जीतेगा फाइनल में पंजाब टाइटंस के विरुद्ध, उनका मैच आज दूसरे भाग पर। जी हाँ, आठवां ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ये अरुणाचल का व्यू आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत ये व्यू है, पहाड़ों के बीच ये मैदान। खूबसूरत हिमालय पर्वत के बीचों बीच ये मैदान। जी हाँ, नई गेंदबाजी के रूप में आए हैं नाबुम डिकम, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। आज गेंदबाजी से अपना हाथ साफ करना चाहते हैं, मगर यहां पर वाइड का इशारा, खराब गेंद। जी हाँ, यहाँ पर इशारा बदला है, यहाँ नो बॉल का इशारा है अंपायर की ओर से। यहाँ पर प्री हिट का इशारा है, गेंदबाजी लगता है काफी जल्द में है। फिर से ये वाइड का इशारा जरूर, ये खराब गेंद। चार ओवर जिस तरह कप्तान धोरिया और लोमा ने बांध के रखा है, उसी तरह का प्रेशर जरूर बनाना है। ये फिर से वाइड का इशारा है, ये खराब गेंदबाजी चलता हुआ यहाँ। यहाँ कप्तान को बात करना होगा अपने गेंदबाजों से। फ्री हिट फिर से कंटिन्यू, उठाकर खेला है, फिंगर नीचे है, पकड़ भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं, एक रन जरूर मिलेगा यहां पर बालम को। जी हाँ, यहाँ फिर से वाइड का इशारा है अंपायर की ओर से, अच्छा डिसीजन। अंपायर के रूप में तजिन तकर, जी हाँ वाइड डिलीवरी था, फिर भी रोक नहीं पाए, खराब फील्डिंग, चार रन का ये इशारा। जी हाँ, यहाँ पर शायद 33 फिसल गए थे। फील्डर के ऊपर से खेला हुआ शॉट है, ये एक रन तो जरूर मिल जाना चाहिए। जी हाँ, आसानी से चुरा लेंगे।
जी हाँ, हवा में गेंद, बेहतरीन फील्डिंग। जी हाँ, ये बेहतरीन, काफी महंगा ओवर होने के बाद बावजूद यहाँ पर विकेट मिलता हुआ, यहाँ पर धना बालम के रूप में, यहाँ खूबसूरत कैच, यहाँ लुहू की ओर से। जोरदार प्रहार करना चाहते थे। जी हाँ, मैं बता दूं, ये दूसरा सेमीफाइनल आज चलता हुआ यहाँ पर। रिप्ले में देखिए आप, ये खूबसूरत शॉट लगाना चाहते थे मगर टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं, जिसके चलते यहाँ बालम को अपना विकेट गंवाना पड़ा। जी हाँ, कप्तान धोरिया अपना आखिरी ओवर लेके आए हैं। काफी अब तक काफी किफायती गेंदबाजी। जी हाँ, यहाँ हल्के हाथों से खेला है। दो रन का जी हाँ, यहाँ पर कप्तान धोरिया अपना आखिरी ओवर के दूसरा गेंद। नाना कमदिर इसको छोड़ दिया है, आसानी से जाने दिया। ये क्या था, ये क्या हुआ, पुल शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर टीएमसी तसर। जी हाँ, आज भी केवल 12 रन बनाकर लौटते हुए यहाँ अपना पवेलियन की ओर। जी हाँ, रिप्ले में देखिए, पुल शॉट खेलना चाहते थे, टॉप एज लगा, बेहतरीन ये एफर्ट कप्तान धोरिया की ओर से। मुझे लगा ये फिर से वही सेलिब्रेशन दिखाएंगे मगर इस बार छोड़ दिया है। बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट। जी हाँ, ये कप्तान वन मैन आर्मी से कम नहीं। जी हाँ, अब नए बल्लेबाज आए हैं, सबसे खतरनाक बल्लेबाज तची तारुम पूरे अरुणाचल के। हल्के हाथों से ये डिफेंस किया है। धोरिया तो तारुम, जी हाँ, यहाँ स्वीप किया है, फील्डर मौजूद है यहाँ पर एक रन आसानी से चुरा लेंगे। जी हाँ, काफी किफायती ओवर यहाँ धोरिया का चलता हुआ। ये करीबी मामला हो सकता था लेकिन ये शायद ड्रिफ्टिंग लेग। जी हाँ, ये खतरनाक गुगली डालते हैं, ये स्लोअर गुगली था, बैट्समैन पर नहीं पाए उसे। जी हाँ, ये केरले पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, हमारे स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के, वन बिल टी ट्वेंटी, आप सभी का शुक्रिया है।
जी हाँ, ये व्यू है हमारे इस खूबसूरत वादियों के बीच। ये खूबसूरत सा एक छोटा सा ग्राउंड एबी क्रिकेट ग्राउंड दैमुख में है। जी ये मैच आपको लाइव टेलीकास्ट अरुणाचल की ओर से देखने मिल रहा है। आप सभी का शुक्रिया हमारे इस टूर्नामेंट को इतना प्यार देने के लिए। जी हाँ, नए गेंदबाज के रूप में आए हैं किशन गुप्ता। जी हाँ, ये एक बेहतरीन बल्लेबाज है। आज देखना होगा फील्डिंग बॉलिंग के रूप में आज क्या कर पाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर उठाकर खेलना चाहते थे, पील तो नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर एक फिर एक जीवन दान आज मिलता हुआ यहाँ पर। जी हाँ, मैंने कहा था पपुम रॉयल्स को अगर इस सेमीफाइनल में आगे बढ़ना हो तो फील्डिंग एफर्ट इम्प्रूव करना बहुत जरूरी। ये एक खूबसूरत शॉट था मगर फील्डर नीचे, यहाँ काबू आसानी से लपक लिया है यहाँ पर। यहाँ लौटना होगा हीना को, बिना खाता खोले अब पेविलियन की ओर लौटता हुआ यहाँ पर। जी हाँ, ये शॉट किस तरह का खेलना चाहते थे समझ नहीं आए, पुल करना चाहते थे या खुलकर नहीं खेला, खाली उठा दिया था हल्के हाथों से। एक आसानी सा कैच यहाँ पर कागू की ओर से। जी हाँ, ये देखिए खेलना क्या चाहते थे समझ में नहीं आया, पर एक आसान सा कैच दे बेटे यहाँ पर। जी हाँ, ये दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ। देवियां याकुम आए हैं अब नए गेंद बल्लेबाज के रूप में। माफ करना देविया तापुंग। जी हाँ, यह हल्के हाथों से खेला है, ये शॉट डिफेंस कर दिया है, यहाँ पर सम्मान दिया है गेंदबाजों को। जी हाँ, हल्के हाथों से खेला है, एक रन जरूर मिल जाएंगे। तवा तापा यहाँ पर फील्डिंग के रूप में। जी हाँ, ये अच्छा कमबैक यहाँ पर चलता हुआ पपुम रॉयल्स के। हमने देखा था शुरुआती ओवर में तिचनेरी एक विस्फोटक अंदाज में आए थे, आज भी जिस तरह का उनका फॉर्म रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में उसी फॉर्म को आज कंटिन्यू करके आए थे, पर एक अच्छा कमबैक दिलाया है यहाँ पर दोरिया ने कप्तान पपुम रॉयल्स के। जी हाँ, कैराली पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हमारे स्पॉन्सर इस हॉर्नबिल T20 के। जी हाँ, फिर से आए हैं लोमा अपना आखिरी ओवर लेकर। अब तक 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। बता दूं ये 15 ओवर का मैच है, कल बारिश के चलते आज ओवर डिडक्शन करना पड़ा यहाँ पर। देविया टारमोन स्ट्राइक। जी हाँ, यहाँ पर अपना
जी हाँ, घुमा कर खेलना चाहते थे। प्रयास काफी जोरदार तरुण की ओर से। जी हाँ, ये तारुम ऑन स्ट्राइक। ये तो प्लम सीधा आता हुआ गेंद को छू के यहां पर टच्ची तारुम फ्लिक करना चाहते थे। जी हाँ, यहां पर एक अच्छा कमबैक यहां पर पथुम रॉयल्स। पारे तो मैं दोस्त के बल्लेबाज नेहरू और टेंपल के आउट होने के बाद धनाधन एक के बाद एक। जी हाँ, यहां पर रिप्ले पे देखिए। जी हाँ, ये तो सीधा प्लंग रिप्ले में हम देखे तो मिडिल स्टंप के पीछो बीच जाता हुआ। जी हाँ, यहां पर टचिनेरी कप्तान नाखुश होंगे अपने बल्लेबाजों के एफर्ट से। जी हाँ, आप यहां पर यहां से जरूर देखेंगे कम से कम 100 रन का स्कोर पार करने को। पारे तोड़ने दोस्त अब तक करंट रन रेट चलता हुआ 6.9 का। अब भी 3 ओवर इसके बाद भी रहेंगे। कम से कम 100 रन के आंकड़ा को जरूर छूना चाहेंगे यहाँ कप्तान पारे तंदोस की। अपने टीम से चाहेंगे कि कम से कम 100 रन का आंकड़ा जरूर करें। डाउन द लेग जी हाँ, दोनों बल्लेबाज में से किसी एक को तो एक अच्छा पारी खेलना होगा, अन्यथा ये मैच फिसलता हुआ जरूर देख रहे, क्योंकि पथुम रॉयल्स के पास दो बैट्समैन काफी खतरनाक बैट्समैन मौजूद हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक अच्छा शॉट कट कर दिया है, फील्डर नीचे है। जी हाँ, रोक लेंगे तनातेती के मौजूद होते हुए। ये बॉल बाउंड्री को नहीं छू सकता। जी हाँ, यहाँ किसान आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर। राधे फेस करेंगे, उठाकर खेला है यह शॉट, फील्डर नीचे है। जी हाँ, ये फील्डिंग एफर्ट काफी बेहतरीन।
गेंद तक पहुंच नहीं पाए कप्तान यहां तिचिदोरिया। जी फिर सभी से आपका स्वागत करते हैं। ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। देगा तपू छह रन बना के नाबाद, सात गेंदों का सामना कर चुके। और अगर हम बात करें तो पारे तो नरोज के आज कदमों का इस्तेमाल किया है संपर्क उतना खास नहीं मेरे ख्याल से, ऐसा दो रन की मांग की है। जी हाँ, दो रन आसानी से चुरा लेंगे। जी हाँ, अच्छी रन बिटवीन द विकेट, बल्ले पे लगने के साथ साथ दो रन की मांग की थी और आसानी से चुरा लिया है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे थे आज 15 ओवर का ये खेल, हमने लीग का आखिरी राउंड में इस तरीके की 15 ओवर की मैच देखी थी हमने। उस मैच में लगभग 180 का लक्ष्य बनाया था पपुम रॉयल्स ने, तो मेरे ख्याल से पपुम रॉयल्स जानेंगे इस विकेट को, इस सरफेस को अच्छी तरीके से। उनको पता होगा कि किस तरह से अभी 15 ओवर का खेल को खेलना है, पर आज लक्ष्य का पीछा करेंगे। पर तोनारोज भी चाहते थे कि आक्रामक बल्लेबाजी करें, पर टॉप ऑर्डर से जल्दी ही कोलैप्स होने के कारण लक्ष्य उतना कंफर्टेबल नहीं अभी तक। पर अभी भी देव्या तपुंग और राधे बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखते हैं कितने और रन जोड़ते हैं अपनी टीम के लिए। दो ओवर बाकी है। तनातेती अपना तीसरा ओवर, यानी कि अपना आखिरी ओवर होगा क्योंकि इसके बाद एक ही ओवर बचेंगे पहला इनिंग के लिए। अच्छी गेंदबाजी, और जी हाँ तपुंग यहाँ ऐसे बल्ला घुमाना चाहते हैं। जी अच्छा सोच एक तरफ से अगर देखे तो, अब पारे तोर्नाडोस को बस रन चाहिए, जिस तरह से भी आए पर उन्हें रन चाहिए स्कोर कार्ड में, तो उनका प्रयास जारी है। पर तनातेती एक्सपीरियंस गेंदबाज है, वो मौका नहीं देंगे इस युवा बल्लेबाज को। देखेंगे देव्या तपुंग आखिरी गेंद का, जो बचे हुए गेंद का किस तरह से सामना करते। कदमों का इस्तेमाल किया पर यहां फिर से तनातेती ने फॉलो किया। अब मुझे लगता है काफी मुश्किल स्थिति में आ गए पारे तोर्नाडोस, क्योंकि गेंदबाजी काफी अच्छी तरीके से कर रही है तनातेती, यानी कि पपुम रॉयल्स अभी हावी है अगर देखे तो। हालांकि आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो है, पर हवाई यात्रा में आप डिस्पैच कर सकते हैं, पर गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी करते हो। दो रन की मांग की है यार राधा का गजरा। जी हाँ, कोई मौका नहीं यार, देव्या तपुंग वापस जाएंगे। जी अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्शन और सीधा रन आउट।
जी हाँ, पारे तोड़ना दो, इसको रन चाहिए। कभी अच्छा त्रो, सटीक त्रो, तेज और कोई मौका नहीं। ये रिप्ले में अगर देखे तो दो रन की मांग की थी यहां। फिर से कदमों का इस्तेमाल, अगर गेंदबाजी देखे तो जिस जगह पे वो गेंद को टप्पे करा रहे हैं वो काफी बेहतरीन। टप्पे खाने के बाद जिस तरह से बल्लेबाज गेंद को संपर्क अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं लेंथ को, मुझे लग रहा है वेक ऑफ द लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं पर वो बल्लेबाज को रीत करके गेंदबाजी कर रहे हैं और कोई मौका नहीं। अगर यहाँ पर टॉप ऑर्डर्स बल्लेबाज होता तो चौके छक्के भी जा सकते थे। अच्छी गेंदबाजी, यह पूरा रूम बना के खेलना चाहते थे और रोबिन पर कोई मौका नहीं। आखिरी ओवर पहला इनिंग का गेंदबाजी में तबा तापा, और अगर देखे तो राधे आठ गेंदों में 9 रन बना के, देखते हैं इस आखिरी ओवर में कितने रन जोड़ते, क्या वो 100 का आंकड़ा पार कर पाएंगे, ये देखना जरूरी है। राधे और नाबम रोबिन किस तरह से आखिरी ओवर में डील करते हैं इस गेंदबाज के साथ देखेंगे कुछ ही। अच्छी गेंदबाजी, जी हाँ कोई मौका नहीं। जी हाँ, अगर हम देखें तो ये दोनों बल्लेबाज एक्चुअली गेंदबाजी करते हैं तो दोनों प्रयास तो कर रहे हैं पर अच्छी गेंदबाजी तबातापा की। रन चाहिए अगर इस बार भी कदमों का इस्तेमाल करना चाहा, अपने आप से नाखुश होंगे। तबा तापा भी काफी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, लगातार मैच खेलते आए हैं इस मैदान में, इस टूर्नामेंट में काफी सारे मैचेस खेल चुके हैं, मुझे लगता है वो 10-11 मैचेस खेल रहे हैं तो उनको इस सरफेस को अच्छी तरह से पता है। यहां पर रनअप में थोड़ी सी गलती और दोबारा डालेंगे इस गेंद को। जी हमने देखा है इस मैदान में बड़े बड़े रन बनते हैं, मैं पहले बता रहा था लीग राउंड का आखिरी मैच में उस तरह का ही मैच 15 ओवर का मैच खेला गया था, उसमें दोनों ही टीम 180 बनाए थे। यहाँ चल के खेला है हवा में, गेंद कीपर ने मार दिया और ये छोड़ देंगे, ये बहुत खराब। जी ये दस्तानों में थे विकेट कीपर, युवा विकेट कीपर तची तादो। जी देखते हैं रिप्ले, यहां भी कदमों का इस्तेमाल किया, शरीर से डाली थी दूर, हवा में थी गेंद, ये विकेट कीपर भी पहुंच गए थे। जी हाँ, कलेक्शन नहीं कर पाए, मुझे लगता है पॉइंट खिलाड़ी के साथ शायद कंफ्यूजन हो गए और उसी के चलते ये मौका को गवाया।
जी यहाँ वाइड का इशारा, रन आना बहुत ही जरूरी है, जिस तरह से भी आए रन आना बहुत ही जरूरी है। 3 रन इस ओवर में आ चुके हैं। एक रन की मांग की है, जी हाँ आसानी से ले लेंगे, यानी कि रोबिन स्ट्राइक पे आएंगे जी, उनको भी स्ट्राइक लेना चाहिए क्योंकि उनके पास भी क्षमता है, अगर कनेक्शन सही होंगे तो बाउंड्री के बाहर गेंदबाज को गेंद को बाहर भेज सकते हैं और दबाव बना के रख सकते हैं गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि अभी भी 2 गेंद बाकी है कि इस 2 गेंद में कितने रन आएंगे, क्या 100 का आंकड़ा पार कर पाएंगे, अब कमेंट बॉक्स पे मुझे बताएगा। यह कवर्स की दिशा में खेला है, खेलते ही 2 की मांग की है, क्या वो 2 रन चुराएंगे, जी हाँ आसानी से चुराएंगे। यह मुझे कह रहा था रोबिन के पास वो क्षमता हो सकता है, अगर वो कनेक्शन अगर सही करते हैं तो चौके और छक्के में डील कर सकते हैं। तो आखिरी गेंद अभी भी 100 रन का आंकड़ा छूने के लिए 2 रन दूर है, तो देखेंगे चौका या छक्का लगता है वो बल्लेबाज ही जानते हैं। आखिरी गेंद तपा तो रोबिन, यहाँ वाइड का इशारा, जी हाँ अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, इस गेंद की लगता है मुझे कोई जरूरी नहीं थी क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, इस तरह की गेंदबाजी अगर करेंगे तो 1 रन आसानी से मिल जाता, तो ऐसा ही हुआ, 1 अतिरिक्त रन के चलते वाइड और 1 रन चुराया। जी हाँ यहाँ 2 बॉल, अच्छी गेंदबाजी, इसके साथ ओवर की समाप्ति, 15 ओवर समाप्त, स्कोर 99 रन पे आठ, यानी कि अगर पपुम रॉयल्स को जीतना है तो 15 ओवर में 100 रन बनाने होंगे, क्या बना पाते हैं देखेंगे कुछ ही वक्त में। तो हमारे साथ अब जरूरी है इस पवेलियन टीवी में, कुछ ही देर में आपके पास हम वापस लौट के आएंगे, धन्यवाद। जी हाँ ये पंक्चुअल शॉट, स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं, आप कांटेक्ट करिए, बहुत ही खूबसूरत शॉट है ये अरुणाचल में।
पापुम रॉयल्स ने टॉस जीता और पहला बल्लेबाजी करने सॉरी फील्डिंग का दूसरा सेमीफाइनल पारे वर्सेस पपुम चिनेरी एंड नाबुम हाचंग गोइंग टू ओपन द इनिंग्स फॉर पारे टोर्नेडोस. निकाल कर खेलना चाहा, मार दिया है कवर्स की दिशा पर और ये यहाँ तना तत्ती बहुत ही अच्छा गेंद और यहाँ अब हम टेम्पल पहला गेंद कट कर दिया है यहाँ मिसफील्ड ये बाउंड्री हो जाना चाहिए. जी हाँ फुल टॉस गेंद है हवा में खेला हुआ शॉट फिर से हवा में खेला हुआ शॉट है ये फील्डर के ऊपर से फिर से जी हाँ उठाकर खेल दिया है उनका फील्डिंग एफर्ट काफी खराब गया है. हवा में है ये गेंद फील्डर नीचे कोशिश द दूसरा स्पेशलिस्ट क्लीन आउट कर दिया है यहां पर नावन टेम्पल को बेहतरीन आउट कर दिया है यहां पर नावन टेम्पल को बेहतरीन ये बेहतरीन शॉट है. जी हाँ वाइट डिलीवरी था फिर भी जी हवा में गेंद बेहतरीन फील्डिंग ये खूबसूरत शॉट ये तारुम ऑन स्ट्राइक ये तो दो रन की मांग की है यार राधा का कतरा. जी हाँ हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं कौन कहां क्यों कैसे सवाल ही सवाल क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे तो आप भी बढ़िए सवाल कीजिए प्रोवो पे कीजिए क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर तो आप भी कीजिए डाउनलोड.
चलिए दूसरा इनिंग शुरू करते हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हमेशा की तरह तिची दोरिया और तिची तादो और गेंदबाजी में नाबम टेम्पो। जी हाँ कप्तान पारे टोर्नेडोज के नेहरी क्या सोच रहे होंगे? मुझे लगता है उनका स्ट्रेटजी अब यही होगा कि जल्द से जल्द विकेट चटकाएं। अगर विकेट चटकाएंगे तो गेम में बने रहेंगे क्योंकि लक्ष्य उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि 90 बॉलों में 100 रन यानी कि 10 रनों का ही फर्क है। तो मुझे लगता है जितने आप विकेट चटकाएंगे तो आप गेम में बने रहेंगे। अगर आप रन दे देंगे तो मैच को हाथ से धोना पड़ सकता है। तो पर ये रोमांचक मुकाबला है। पारे टोर्नेडोज ने 20 ओवर में 120 रन 15 रन को भी डिपेंड किया है तो देखना जरूरी। सामना करेंगे पहला गेंद को तिची तादो। मुझे लगता है पपुम रॉयल्स शायद अभी स्पीडोमीटर में विनिंग चांसेस की परसेंटेज ज्यादा है और यहाँ पर डिसाइन गेंद आते ही। और जी मैं बता रहा था अगर पारे टोर्नेडोज को जीतना है तो जितने भी हाफ चांसेस है आज उनको कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी होगा। हमने इस टूर्नामेंट में देखा है काफी सारे चांसेस गवाए हैं सभी टीमों ने, तो आज कुछ नया करना बहुत ही जरूरी है। जितने भी हाफ चांसेस है उनको कन्वर्ट करना जरूरी है और बल्लेबाज को अगर जीतना है तो अच्छे बल्लेबाजी करना जरूरी। ये अंदर जाता हुआ गेंद, जी हाँ गेंद में लहराई, कोई रन नहीं। जी हाँ नाबम टेम्पल एक अनुभवी गेंदबाज तो पहला विकेट के तलाश में होंगे। जी हाँ ये इन दोनों की साझेदारी की अगर हम बात करें तो हमेशा ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी दी है अपनी टीम के लिए, तो ये साझेदारी अगर तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं वापसी कर सकते हैं। हवा में गेंद गई है, रिप्ले देखना होगा, शायद करीबी मामला था, देखना बहुत ही जरूरी होगा। जी हाँ बाल बाल बचे, तीन सी तसर मौजूद थे कवर्स की दिशा में, बाल बाल बचे, कुछ भी हो सकता था। अगर पहला विकेट चटका देते तो गेम देखने लायक होती है। और मैन इन पोम तची दोरिया स्ट्राइक पे, तची दोरिया जब तक इस विकेट में खड़े रहेंगे तब तक कतरा पारे टोर्नेडोज के सर के ऊपर घूमेंगे। ये बल्लेबाज तूफान ला सकता है इस मैच में, दो शतक जर चुके हैं 15 ओवर का गेम में भी वो जर चुके हैं शतक, और आज 15 ओवर का ही खेल। वो आते ही ड्राइव कर दिया है दो खिलाड़ी के बीच, खिलाड़ी मौजूद है। जी हाँ अच्छी फील्डिंग, यहां दो रन आसानी से चुराएंगे। तना हिना गेंद के पीछे गया और आखिरी वक्त तक सामना किया और दो रन रुकाया अपने टीम के लिए। जी हाँ हम दोरिया की बात करें तो दो शतक जड़ चुके हैं, उनका फॉर्म बेहतरीन चल रहा है, इनका विकेट बहुत ही बड़ा होगा पारे टोर्नेडोज के लिए या स्क्वायर लेग के दिशा में एक रन आसानी से चुराएंगे। जी हाँ जितने भी एक एक दो दो रन है उनको कंटेन करना बहुत ही जरूरी, क्योंकि लक्ष्य उतना ज्यादा नहीं, पहले ही बता चुका हूं 90 रन में 100 रन की जरूरत थी। अब अगर देखे तो रन का जो गति है, जो रिक्वायर रन रेट है वो और नीचे जाएंगे, जितने रन अगर स्कोर बोर्ड में आएंगे उतना ही रिक्वायर रन रेट कम हो जाएंगे पपुम रॉयल्स के लिए, और संकट में होंगे पारे टोर्नेडोज अगर इस तरह ही चलते रहेंगे तो। अब देखे तो रिक्वायर रन रेट 6.6 है। बोल कर दिया है, जी विकेट जिस विकेट की तलाश में थे
उस विकेट को दिया है नाबम टेम्पल ने कप्तान के लिए तोहफा। यह बेहतरीन गेंदबाजी। हेलो जी, हवा में लहराई गेंद और कोई मौका नहीं। ड्राइव के लिए शायद वो जाना चाहते थे युवा खिलाड़ी, और सीधा जाके लगी बुटकों पे और छलका किया, चारों खाने चित कर दिया है। क्या ये आखिरी उनका इनिंग हो सकता है इस टूर्नामेंट में? ये बिल्कुल योर गेंदबाजी, साथ में हवा में लहराई गेंद, कोई मौका नहीं। मुझे गिल्ली डंडा तीर याद आ गई है, गिल्ली उस पार और डंडा उस पार कर दिया है। पहला विकेट, जी हाँ खूबसूरत गेंदबाजी, जी हवा में लहराई योर गेंद और चलता किया कुछ यहां पर। आचंक का सेलिब्रेशन देख सकते हैं, बारूद शरीर में बुका हुआ जैसा ये सेलिब्रेशन। किसान गुप्ता आए हैं, किसान गुप्ता भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपना समता दिखा चुके हैं, उनके पास वो समता है। मुंह से गेम को जीत के ले जाते हैं, तो ये अगर पप्पू रॉयल्स की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो डेप्थ है पप्पू रॉयल्स के बल्लेबाज के लाइनअप में, डेप्थ काफी। तो जितना हो सके जल्द ही जल्द बल्लेबाज को सेट होना होने देना नहीं चाहिए अगर पारे टोर्नाडोस को जीतना है तो। पर अच्छी गेंदबाजी की है टेम्पल ने, कप्तान तिची नेहरी ने कप्तानी अच्छी तरीके से की। उनका जो अनुभवी खिलाड़ी है उनको गेंद को सौंपा और उन्होंने एक विकेट दिलाया उनको। अब युवा गेंदबाज पोल कीनो सामना करेंगे मेन इन फॉर्म दोड़िया। और ये अच्छी गेंदबाजी, यहाँ जाने दिया जी, कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहेंगे क्योंकि अभी अभी एक विकेट गवा दिए हैं। अगर यहाँ पर विकेट गवा देंगे तो अपना तो बैकफुट पे चले जाएंगे। जी आप ये मैच में कौन जीतेंगे आप इसका? उत्तर दे सकते हैं प्रोबो एप्स में जाके, जी हाँ मैंने तो लगा लिया है, मुनाफा करूंगा मैं भी अपना और आप भी जाके लगाएगा। जी हाँ आप देख सकते हैं पारे टोर्नाडोस के खिलाड़ी जोश और जज्बे के साथ अच्छी गेंदबाजी। जी एक्रोस आके खेलना चाहते थे यहाँ कप्तान तिची दोड़िया, पर उनको फॉलो किया। अच्छी गेंदबाजी युवा गेंदबाज पोल कीनो के द्वारा। जी हाँ पोमी पुंते रिजोर्ट,
जिस तरह से आपको मेरे को कमेंटेटर ने बताया, मैं विजिट कर चुका हूँ जी। हाँ, बेहतरीन जगह है माइंड फ्रेश करने के लिए, आप भी जाके वहाँ मौज मस्ती कर सकते हैं और अपना माइंड को फ्रेश करा सकते हैं। ओ अजीत की माँ ये पर चौका मिलेगा जी, कहते हैं ना किस्मत भी बहादुरी के साथ देते हैं और यही हुआ, तकी दोरिया के साथ किस्मत भी देता हुआ। अंदरूनी किनारा लगा या नाबम हाचन नहीं लपक पाएंगे जी, इस तरह की कैचेस मुश्किल होता है। पुल करना चाहते थे, ये अंदरूनी किनारा लगा, विकेट कीपर को इस तरह की कैचेस लेने में दिक्कत होती है, पर अक्सर पकड़ा जाता है, पर इस बार छूट जाएंगे। जी एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा जी। हम किशन गुप्ता की बात कर रहे थे, ये बल्लेबाज को चलता करना पड़ेगा जल्द ही जी। पुमे पुंगते रिजोर्ट दिए हुए नंबर पे आप पूछताछ कर सकते हैं और दिए हुए ईमेल आईडी में भी, बेहतरीन जगह हैं। मैंने काफ़ी सारे मछिया भी पकड़े हैं उस रिजोर्ट में जाके, आप भी जाके अगर एंगलिंग का शौक है तो आप पुंगमी पुंगती रिजोर्ट में जाके आप एंगलिंग कर सकते हैं जी। वाइट का इशारा यहाँ नाबम टेम्पल अल्फाबेट ग्रुप ऑफ स्कूल्स जी, आप अगर देखे तो निर्जुली दोईमुख जीरो नाहरलगन में उपलब्ध। रामे हवा में गेंद थी कुछ वक्त के लिए, पर देवे तपुंग के हाथों में सही सलामत नहीं पहुंच पाएंगे, एक तप्पे खाने के बाद उनके हाथों में बाल बाल बचे। यहाँ कनेक्शन बेहतरीन नहीं थे, अगर तोड़ी बेहतरीन होता तो सीधा फील्डरों के हाथ में भी जा सकते थे। ये हल्के हाथों से खेला, अच्छी फील्डिंग यहाँ तना बालूम के द्वारा। ये अच्छी गेंदबाजी अभी तक, जिस तरह से हमने देखा है पप्पू रॉयल्स पावर प्ले के समय में काफी प्रहार करते हैं गेंदबाज के ऊपर, पर आज इस मैच में वो ले प्राप्त नहीं कर पाया अभी तक। यहां भी लेने का प्रयास था, पर कप्तान थिची नेरी तैनात थे, कोई रन नहीं जी। मुझे लगता है इस तरह के गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि आर पार की लड़ाई है। ओए कैच की मांग, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो, प्रयास अच्छा था पर नहीं पहुंच पाएंगे, पर चौका नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल से, रिप्ले देखना होगा। जी हाँ, बिल्डिंग का प्रयास तो सही था पर गेंद को नहीं रोक पाए, पर आउटफील्ड स्लो होने के चलते गेंद सीमा रेखा के बाहर नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे लगता है यहाँ चौका मिल जाएगा जी। हाँ, यहाँ मिसफील्ड के चलते इस तरह की फील्डिंग अगर आप करेंगे तो मैच गवा भी सकते हैं जी। पकड़ना चाहिए था, हाथों में थी गेंद, तना बालूम, अगर मैच हार जाते हैं तो उनको आज रात भर वही यही सोचना पड़ेगा कि मैंने वो चौका कैसा दिया। तो अगर अपना जो नाइटमेयर उनको बचाना है तो अच्छी फील्डिंग करना बहुत ही जरूरी। कीनो यहां नाबम रोबिन
डीप स्क्वायर लेग की दिशा में तैनात थे। जी आज नवम रॉबिन को मौका मिला परे टोर्नेडोस के लिए, बिल्कुल लाल रंग में दिखाई दिए। बीच ही मैचों में उनका ट्रेडिंग हुआ, ऑक्शन में नहीं बिके थे पर किसी के रिप्लेसमेंट के चलते आए। और यहां अच्छी गेंदबाजी जी कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे। पॉल कीनो पहले ही देख चुके थे, अच्छी गेंदबाज करते हैं। रन मिला है, अच्छी फील्डिंग। जी हाँ, इस तरह की फील्डिंग चाहिए, इस तरह की फील्डिंग की सख्त जरूरत। और मुझे लगता है यह ओवर की समाप्ति हुई है। जी हाँ जी, मैं बता रहा था करो या मरो की ये मैच है। जी कैराली बेलम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ए क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम सब ने पिया है और हाइड्रेटेड भी है हम सब, आप भी पिएगा। बेहतरीन पानी आप भी पीजिएगा और खुद को हाइड्रेटेड करके रखिएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, राधे आए हैं, अपना पहला ओवर डालेंगे, विकेट के तलाश में होंगे क्योंकि दोरिया का विकेट लेना बहुत ही जरूरी। जब तक दोरिया मैदान में खड़े रहेंगे या हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, संपर्क उतना बेहतरीन नहीं, मिडोन की दिशा में खेलना चाहते थे। शायद बल्ला जल्दी ही बंद कर दिया, उसी के चलते मिडो पे गई गेंद, कोई खतरा नहीं, कोई रन नहीं। जी दर्शकों, मैं बता दूं आज इस मैच के बाद सीधा फाइनल मैच खेला जाएगा। पहला टीम जो फाइनल में आने वाले टीम, पंजाब टाइटंस की खिलाड़ी भी इस मैदान में पहुंच चुके हैं। और जो अभी ये दूसरा सेमीफाइनल चल रहे हैं ना, उनका जो विनर है वो खेलेंगे पंजाब टाइटंस के खिलाफ। और ये छक्का, बेहतरीन छक्का जी, वो लाइन और लेन को पहले ही देख चुके थे। और इस तरह की गेंद अगर दोरिया को आप करेंगे तो आपको यही नतीजा मिलेगा, 6 रन। खूबसूरत तरीके से ये छक्का, जी मैं बता रहा था दोरिया का विकेट झटकाना बहुत ही जरूरी है। दो रन, जी हाँ 2 रन आसानी से चुराएंगे।
जी रिक्वायर रन रेट की बात करें तो 6.7 अब इस वक्त चल रहे हैं, और करंट रन रेट की बात करें तो 6.6। शानदार बल्लेबाजी टीम के लिए। एक रन की मांग की है, आसानी से चुराएंगे। अगर हम टूर्नामेंट की बात करें तो लीग राउंड, आखिरी लीग राउंड जब से शुरू हुआ है तब से वेदर उतना साथ नहीं दे रहे हैं, पर आज एक सुहाना मौसम है तो आज ही इस टूर्नामेंट का मुझे लगता है कंक्लूजन भी हो जाएंगे, क्योंकि इस मैच के बाद सीधा फाइनल मैच खेला जाएगा। तो ये आज काफी एक्शन भरा दिन रहेगा हॉर्नबिल T20 टूर्नामेंट के लिए और इनके जितने भी फॉलोअर्स है उन लोगों के लिए भी, क्योंकि आज दिन भर आप हॉर्नबिल T20 हमारे साथ जुड़े रहेंगे और शाम में आप IPL के साथ जुड़े रहेंगे। तो बेहतरीन दिन आज क्रिकेट लवर्स के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया है या बैट्समैन की दिशा पे गई है गेंद, क्या दबे तब वो रोक पाएंगे? प्रयास अच्छा, पर जी हाँ रोक लेंगे। जी हाँ ये युवा खिलाड़ी, इनके पास रफ्तार भी सही है, रफ्तार का इस्तेमाल किया और सही सलामत रोका। अगर यहाँ शॉर्ट टर्म के दिशा पे खिलाड़ी तैनात होते तो शायद हाथों में भी जा सकते थे, शायद वाइट रखी थी खिलाड़ी को। ये अच्छी गेंद, ये गेंद बाहर गई है तप्पे खाने के बाद। बाल बाल बचे यहां किशन, जी किशन गुप्ता बिल्कुल कैरेबियन प्लेयर की तरह दिखते हुए इस वक्त। जी कहते ही यहां चौका जड़ दिया है 4 रन के लिए। जितना चौका बतोरेंगे उतना ही लक्ष्य के करीब जाएंगे पपुम रॉयल्स की टीम। ये खूबसूरत बेहतरीन, क्या ये हेलीकॉप्टर शॉट था? देखना बहुत ही जरूरी, मुझे लगा ऑलमोस्ट योर गेंद थी। जी हाँ रिप्ले में देखते हैं, जी हाँ ये हेलीकॉप्टर शॉट, चौका, 2 टप्पा 4 रन, 2 गेंदों में 8 रन। क्या ये चौका मिलेगा इस बार? या इस बार भी चौका, लगातार 3 गेंदों में 3 चौका। यहां पोल की ने सोच रहे होंगे अब किसे दिशा पे डालना होगा गेंद, जिस तरह वो गेंदबाजी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से उनको डिपॉजिट कर रहे हैं किशन गुप्ता जी। जिस तरह से 3 चौके लगाए हैं वो अलग अलग गेंदों में लगाए, कवर्स में लगाए, लॉन्ग ऑन पे लगाए और फाइन लेग की दिशा में भी चौके लगाए, वो भी संतुलन के साथ, कोई एजेस नहीं। ये खींच के खेला, जी हाँ जानबूझ के ये गेंद को खींचा था, ओवर द स्टंप पे आ गए थे वो, उसके बाद छोटी ही गेंद को डिपॉजिट, जी आप देख सकते हैं एक्रॉस आ गए थे और यहाँ पे छोटी गेंद डाली और इनको पनिश जरूर करेंगे तची दौड़िया।
और इसी के साथ 50 का आंकड़ा भी छू चुके हैं। पपुम रॉयल्स की टीम और पपुम रॉयल्स की डगआउट काफी खुश। जी हां, पारे टोर्नाडोस क्या इस मैच को जीत पाएंगे? आपका उत्तर हाँ है या ना है प्रोबो एप्स में दीजिए और अपना मुनाफा बनाए। मैंने तो लगा लिया है मुझे मुनाफा मिलेगा, मुझे पता है, पर आप भी जाके अपना मुनाफा बनाए प्रोबो एप्स में जाके। अरे नागम टेम्पल की अच्छी फील्डिंग, यहाँ हाथों से नहीं बल्कि टांगों से रुकाया, उनका स्किल सही है। शायद फुटबॉल भी खेलते थे मुझे लगता है, उसी के चलते अपना स्किल दिखाया और रन भी रुकाया। फिर से छोटी गेंद, कोई मौका नहीं जी, ये युवा गेंदबाज को ये बातचीत करनी होगी कप्तान को, क्योंकि इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते। ये चौथी गेंद, जी हाँ, इनको बेहतरीन तरीके से पनिश कर दिया है। इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते आप, सेट हो चुके हैं। और तकी दोरिया काफी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, दो शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं ये, तो उनके खिलाफ इस तरह की गेंदबाजी आप नहीं कर सकते। अगर इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो मुझे वो मोहरा याद आता है, आप बेल मुझे मार। जी आप फिर से वही गेंद, यह खिलाड़ी तैनात है तना ही ना, और बिल्कुल संतुलन के साथ खेल रहे हैं वो तची दौड़िया। जी जानते थे वो हवा हवाई यात्रा पे गेंद को नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अपना विकेट का महत्वपूर्ण और भरपूर इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो हवाई यात्रा पे अगर चांसेस दे देंगे तो परे तोड़ना जो मैच में वापस आ सकते हैं। और यहाँ रोबिन के हाथों में गेंद, तो जो एक मोमेंटम है उनको वो शिफ्ट नहीं कराना चाहेंगे, क्योंकि जो मोमेंटम अगर टूट जाते हैं तो मैच गंवाने का भी खतरा रहता है। और इसी के साथ ओवर के समाप्त। जी हाँ, अल्फाबेट हॉस्पिटल्स मेन रोड निर्जुली पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में तैनात। आप फैसिलिटीज की बात करें तो काफ़ी सारे फैसिलिटीज अवेलेबल, 24x7 सर्विस, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे, हेमाटोलॉजी लेबोरेटरी, ओपीडी, आईपीडी और फार्मेसी भी। अगर किसी का हेल्थ इश्यू है तो आप जरूर विजिट कीजिएगा अल्फाबेट हॉस्पिटल में। और याब जेकी तायो कमजोर जा चुके हैं, उनको हमेशा हेल्थ इशू रहता है, तो काफ़ी बार विजिट कर चुके हैं अल्फाबेट हॉस्पिटल और उनका कहना है कि बेहतरीन हॉस्पिटल है, अच्छे अच्छे नर्स भी तैनात है, मौजूद है, उनका अच्छी तरह से देखभाल किया है, उनका कहना है। और कप्तान क्या कप्तान लेट कर दिया आने में, क्योंकि रन काफी सारे निकल चुके हैं, पर कप्तान को वापसी करना होगा। आते ही एक रन की मांग की है, हल्के हाथों से खेला। जी हाँ, शायद चुराएंगे एक रन। और ये हमें बात कर रहा था, ये टेबल टॉपर और टेबल की जो टॉप फोर छोटे स्थान में जो थे उन दोनों का मैच खेल रहा है। ये अच्छा शॉट, जी हाँ, ये विद द स्पिन खेला है, तो यानी कि उनको चेयर का कहानी करना पसंद नहीं है तचिदौरिया को, विद द स्पिन खेला आसानी से एक रन। जी मैं बता रहा था परे टोर्नाडोस इस टेबल के टॉपर हैं और जो पपुम रॉयल्स है वो नंबर फोर पे थे, तो आज नंबर एक और नंबर चार की लड़ाई है, जो जीतेंगे सीधा फाइनल में प्रवेश करेंगे। पर अगर अब गेम का स्पीडोमीटर देखें तो पपुम रॉयल्स इस समय हावी हैं। और ये चार रन, जी यहां खिलाड़ी तैनात नहीं थे,
चार रन आसानी से खेला, मुझे लगा शायद ये सिंगल नहीं तो दो रन, पर खिलाड़ी थे ना नहीं थे, चार रन मिल जाएंगे। और ये अपील की है जोरदार अपील, जी हाँ दे देंगे, ये अपील की है उंगली कर खड़ी कर दी, और ये कप्तान पिची नेहरी ने चटकाया जी, अच्छी वापसी, चार रन के बाद अच्छी वापसी की, और चलता क्या यहां किसान गुप्ता को, जी रिप्ले में देखे तो अंपायर ने आउट का इशारा, LBW का करार, और किशन गुप्ता वापस, और नए बल्लेबाज तबा काबू, ये बल्लेबाज कम ही डिफेंस करते हैं। जी हां मैं तो कहता हूं इनके डिक्शनरी में डिफेंस का कोई शब्द ही नहीं है, ये सीधा आते हैं और बल्ला चलाते हैं। जी हाँ यहाँ एक रन की मांग, जी हाँ यहाँ पर दलील राधे बाल बाल बच्चे चौथी भी हो सकते थे, पर एक रन से संतुष्ट होंगे, और अच्छा ओवर गता, विकेट के तलाश में थे और विकेट मिला, वो भी किशन गुप्ता का। जी बता दू रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 4-9, और करंट रन रेट में नजर डालो तो 8-3 में चल रहे हैं। जी हाँ अब तक कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर्स, स्कोर moves on 66 run, lost of 2 wicket. जी हाँ 42 balls में 34 run चाहिए, यानी कि पप्पू रॉयल्स अभी हावी है इस वक्त, पर ये एक अच्छा वक्त में टाइम आउट लिया कप्तान नेहरी ने, तो बातचीत करना बहुत ही जरूरी, तो वही बातचीत कर रहे हैं। दूसरा जो प्लान है किस तरह से वापसी करना होगा, किस तरह से गेंदबाजी, किस तरह से फील्डिंग जो एप्लीकेशन से उनको बदलना होगा, उस तरीके ही बातचीत चल रहे होंगे, क्योंकि आप जब तक इंटेंट नहीं दिखाएंगे इस गेम में तो आप गेम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आप जब तक गेम को एंजॉय करेंगे आप गेम में बने रहेंगे, अगर आप गेम को एंजॉय नहीं करेंगे तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे। तो अपना जो इंटेंट एप्लीकेशंस और जो गेम का एंजॉयमेंट है उनको आप बरकरार रखना बहुत ही जरूरी, तालमेल बनाने होंगे टीम के साथ, आप चांसेस को क्रिएट करना, कन्वर्ट करना, उस तरह की बातचीत चल रहे होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा सोच, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर एक अच्छा ओवर चाहिए, एक ओवर में दो विकेट भी चटका सकते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, आखिरी वक्त में आखिरी वक्त तक चमत्कार हो सकता है। आप जिस तरह से आप लगान मूवी देखे होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता, आखिरी वक्त तक इस गेम का साथ आप बने रहिएगा और देखिए फाइनल रिजल्ट। हवा में गेंद थी,
ये अच्छी ये सोच, ये आज तवा कागू कुछ नया रूप धारण करके आए हैं। वो इस तरह की गेम ज्यादा नहीं खेलते, वो सीधा आते हैं, बल्ला चलाते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। तो आज वो सेंसिबल तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये अच्छा सोच। तो उनके पास भी अनुभवी की कोई कमी नहीं है, या चल चल के खेल रहे हैं जी, बिल्कुल कंफर्टेबल दिख रहे हैं। राधे तू कागू, हाँ ये अच्छी गेंद जी, अभी चाहिए 32 रन्स इन 39 बॉल्स। प्रोवो एप्स में आप जाके अपना उत्तर दीजिएगा, हाँ और ना में, और मुनाफा बनाइए। जी पहले ही बता चुका हूँ, मैंने तो मुनाफा काफी बना लिया है प्रोवो एप में, आप भी जाके बनाएगा। एक रन की मांग थी पर नहीं चुरा पाएंगे, फॉलो थ्रू में थे गेंदबाज और आसानी से कलेक्ट कर दिया। जी हमने इस मैच में काफी कम चक्के देंगे हैं अभी तक, क्योंकि आज लो स्कोरिंग मैच चल रहे हैं। कैचिट की मांग है, जी हाँ नो मैंस लैंड में खिलाड़ी को कोई तैनात नहीं थे, नाबम रोबिन दूर से आएंगे। और जी हाँ नाबम रोबिन की हम बात करें तो आज अलग ही जर्सी के रंग में है। जी मैं पहले ही बता चुका हूँ, मिनी ऑक्शन में उनको कोई टीम ने नहीं खरीदा, और आज सीधा सेमीफाइनल में उनको किसी खिलाड़ी की चोटिल होने के कारण उनको मौका मिला। बीच मैचों में ही उनको ट्रेड किया और उनके पास आज मौका है। ओवर की समाप्ति, ये पुंगी पुंगते रिजोर्ट जरूर विजिट कीजिएगा। संगदोपता सर्कल्स में ये पुंगी पुंगते रिजोर्ट लोकेटेड है, कभी आपको फुर्सत मिले तो आप जरूर जाइएगा। गोल्डन मसीर, चॉकलेट मसीर और कॉपर मसीर का आप एंगलिंग करके अपना ब्लॉग बना सकते हैं, मैंने तो जाके बना लिया है, आप भी बनाइएगा। ये आसानी से एक रन छुड़ाएंगे। खिलाड़ी तैनात नहीं है, एक टप्पा, जी हाँ चौका। जी हम तवा कागू की बात कर रहे थे, पहले ही बता चुका हूँ उनके डिक्शनरी में डिफेंस का कोई शब्द ही नहीं है, वो आते ही सीधा चौका चक्का लगाते हैं और वही कर रहे हैं। वो प्रेशर नहीं लेते हैं, जब भी आते हैं खुल के खेलते हैं। ये अच्छी गेंद, शायद यहाँ गति का परिवर्तन किया कप्तान तची नेहरी ने, सीधा गेंद विकेट कीपर भी नहीं समझ पाए। और तेज डाली थी गेंद, जी हाँ यहाँ विकेट कीपर नाबम हाचंग भी नहीं समझ पाए। जी अगर आप रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 4.7, यानी कि एक ओवर में चार या पांच रन लेते ही जाएंगे तो आसानी से जीत जाएंगे। और छोटी गेंद नाबम टेम्पो गेंद के पीछे, जी हाँ अच्छी फील्डिंग रोक लेंगे, दो रन रुकाए अपनी टीम के लिए। जी हाँ इस तरह की प्रयास करनी होंगी, मैंने पहले ही कहा था लो स्कोरिंग मैच है तो जितने भी हाफ चांसेस उनको कन्वर्ट करना जरूरी है।
अच्छी फील्डिंग, हाँ अच्छी गेंद, अच्छी गेंद और ओवर की समाप्ति भी। जी हाँ, 10 ओवर कंप्लीट के बाद 77 रन, अब 23 रन चाहिए 30 बॉल्स में। जी हाँ, ग्रो योर ब्रांड, एडवर्टाइज विद अस, दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कीजिएगा, नहीं तो दिए हुए QR कोड पे, और अपना एडवर्टाइज कर सकते हैं। जी हाँ, बॉलिंग के परिवर्तन, तची तारुम सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज पिछले मैच में हमने देखा, विकेट चटकाते हैं। अच्छी फील्डिंग, नाबम रॉबिन दीप कवर्स के दिशा में तैनात थे। जी हाँ, आज उनको ट्रेडिंग करके लाया गया है, कम से कम अच्छी गेंद। यहाँ पर बाल बाल बचे, एक रन लेना चाहते थे पर नखारा, शायद नहीं समझ पाया, यहाँ खुद गेंदबाजी की और गेंद को नहीं समझ पाया। ये अच्छी गेंदबाजी तची तारुम की, मात्र 2 रन अभी तक। जी ये युवा गेंदबाज अपना पूरा 100% दे रहे हैं, देना बहुत ही जरूरी, कप्तान को भरोसा जताना चाहिए तो इस तरह की गेंदबाजी करने। और यह करीबी मामला हो सकता है, यह करीबी मामला हो सकता था, पर अंपायर कोई इंटरेस्टेड नहीं। यह अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, रिप्ले में एक नजर डालो तो छोटी गेंद पुल करना चाहते थे। अच्छा ओवर यहां तची तारुम का, कायराली अबेलम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, काफी शुद्ध पानी है, हम भी इस वक्त पी रहे हैं इसी पानी को, आप भी कभी दिन इसको लेके पिएगा, शुद्ध पानी है, प्यास अच्छी तरीके से बुझाता है। कप्तान ने भी वापस विकेट की तलाश में, 24 गेंदों में 21 रन चाहिए, यानी कि 24 बॉल्स में 21 रन और बड़ा ओवर चाहिए पप्पू रॉयल्स को, और परे टोर्नाडोज को एक किफायती ओवर विकेट में। जी अच्छी गेंद, पर यहां वाइट का इशारा अंपायर की ओर से, अच्छी गेंद। जी खूबसूरत गेंदबाजी, 18 रन चाहिए, अच्छी फील्डिंग, रन रोकना बहुत ही जरूरी। जी बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं दोनों बल्लेबाज, तो शायद दोनों आसानी से खेलेंगे मुझे लगता है, पर अगर इस बीच में विकेट चटका देते हैं तो वापसी कर सकते हैं।
ये लगा हुआ कैच टीम आ गए, ये खराब, काफी वाइट पे खड़े थे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, मुझे लगा ये कैच होना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने कैच की मांग की थी ये हवा में गेंद थी जी, मुझे लगता है कैच होना चाहिए यहाँ पर, जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग प्लेसमेंट की थी मुझे लगा वो काफी वाइड में थे, उसके चलते चार रन और वापसी तबकागू की। अरे अच्छा सोच, ये चौके जर चुके हैं और उतना उतावला होने की कोई जरूरत नहीं, संतुष्ट हैं एक रन से, यानी कि एक अच्छा ओवर निकला, रन नहीं रुक रहे हैं, अच्छे बल्लेबाजी। एक रन से संतुष्ट जी हाँ, अब चाहिए मात्र 12 रन जीतने के लिए, 12 रन चाहिए 17 गेंदों में। अल्फाबेट हॉस्पिटल जिस तरह से आप दिए हुए टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफी सारे फैसिलिटीज अवेलेबल, कहीं अगर समय मिले तो जाइएगा जी। या जेकी ने बताया उन्होंने ये अल्फाबेट हॉस्पिटल में काफ़ी बार विजिट कर चुके हैं, उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर देते हैं। फुल टॉस गेंद, दो रन की मांग की पर फील्डर तैनात थे, सीधा खेला यहां जी, आप चाहिए 11 रन 17 गेंदों में, जीतना है तो पारे टोर्नाडोस को विकेट चटकाना बहुत ही जरूरी, पर मुझे लगता है काफी देर कर दी है, अब लगभग एक टांग रख चुके हैं फाइनल में पपू रॉयल्स की टीम, पर कुछ कहा नहीं जा सकता, जिस तरह मलिंगा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार गेंदों में चार विकेट छटकाई थी, अगर उस तरह की अगर यहाँ पर मोमेंट आ जाएगी तो वापसी कर लेंगे पारे टोर्नाडोस की टीम। फुल टॉस गेंद, ये छक्का 12 बंदों में 4 रन के लिए, और इसी के साथ सिर्फ 5 रन चाहिए जीतने के लिए 15 गेंदों में। जी हाँ, तवा कागू के हम पहले से ही चर्चा कर रहे थे, ये बल्लेबाज तुक तक में कम ध्यान देते हैं और चक्के चौके में ज्यादा भरोसा करते हैं। इस बार भी चोटी गया, इस बार भी चौका, अब चाहिए एक रन और यहां स्कोर बराबर हो चुके हैं, पर टोर्नाडोस ने 99 रन जरे थे और यहां पपू रॉयल्स ने जर दिए हैं, अब जीतने के लिए एक रन चाहिए बस। चलिएगा आखिरी रन जीतने के लिए, और ये वाइट का इशारा, और इसी के साथ पपू रॉयल्स दूसरी टीम जो फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि अब कुछ ही घंटे के बाद फाइनल मैच
पांजे टाइटंस बनाम पपुम रॉयल्स के बीच खेला जाएगा और पारे टोर्नाडोस काफी नाखुश होंगे, टेबल टॉपर फाइनल की जगह नहीं बना पाएंगे। ये अगर सीट कप होता तो पारे टोर्नाडोस ले जाते, पर यहाँ फाइनल खेलना बहुत ही जरूरी है और इसी के चलते अपना फाइनल का स्थान नहीं बना पाएंगे। पपुम रॉयल्स जी पीछे से आके बाहर कर दिया है, छोटे नंबर पे थे और पहला नंबर की टीम को यहां बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन कहां क्यों कैसे, सवाल ही सवाल, क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। तो आप भी बढ़िए, सवाल कीजिए, प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड।
जी हाँ, स्वागत करते हैं दूसरा सेमीफाइनल का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। मैच खेला गया था पपुम रॉयल्स बनाम पारे टोर्नाडोस के बीच, और तोस पपुम रॉयल्स ने जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और पारे टोर्नाडोस पहले बल्लेबाजी करके 99 रन में सिमट गए थे 15 ओवर में, और पपुम रॉयल्स पीछा करके 12 दिसंबर 4 गेंदों में इस मैच को जीत लिया। और आज का मैन ऑफ द मैच की अगर हम बात करें तो जिन्होंने रन बनाए 45 रन्स 36 बॉल्स का सामना करके, और स्ट्राइक रेट 125.00, 4 चौके और 1 चौके, और गेंदबाजी में 3 ओवर डाले 15 रन कंसीड किया, 2 विकेट चटकाए, बॉलिंग इकोनॉमी 5 दिसंबर 0-0, और कोई नहीं हमेशा की तरह कप्तान तची दोरिया।